हजार चाइनीज सैनिक विंटर क्लोथिंग विंटर इक्विपमेंट खाना गोली बारूद सब कुछ जब चीनी फौज बिल्कुल सामने आ गई तीस या पचास मीटर पे उस वक्त कंपनी कमांडर तीन हजार चीनियों से क्या झूठ बोल, बोल रहे हो तुम लोग? यू आर लाइंग तुम लोग झूठ बोल रहे हो एक सौ बाईस लोग तीन हजार से देखे तो कहीं ना कहीं दिल से जवाब आया कि यार इन पहाड़ों ने भी कभी ऐसा जज्बा नहीं देखा दोस्तों मैं हूं मैं जो गौरवारी और आप देख रहे हैं तो चनक डायलॉग्स दोस्तों आज एक बहुत खास दिन है मेरे लिए मेरी रेजिमेंट के लिए भारतीय सेना के लिए आप सब लोगों के लिए और जिनको नहीं पता है उनके लिए भी और आज अपना ये एपिसोड शुरू करने से पहले मैं पांच सात मिनट लूंगा और बताऊंगा कि आज का दिन खास क्यों है दोस्तों आज के दिन उन्नीस में चुशुल सेक्टर जहाँ पे आज भी चाइनीज आ, इंडियन आर्मी के सामने आई बॉल टू आई बॉल खड़े हैं और आपने सब सुने होंगे ना ये आपने जगहों का नाम सुना होगा ये आ, जिसको दौलत बेगोल्डी आपने सुना होगा दमचौक सुना होगा आपने गलवान सभी के जबान पर नाम है यही वाला एरिया थोड़ा सा और अलग यही वाला एरिया पेंगसोलेक से जी उन्नीस में यहाँ पे चीनी अंदर घुस आए थे और एक एक करके हमारी पोस्टें गिर रही थी हमारे जवान जिनके पास खाने को ठीक से खाना नहीं था एक्सट्रीम विंटर जिसको कहते हैं 30-40 डिग्री माइनस में वो विंटर की क्लोथिंग नहीं थी हथियार कम थे एमोनिशन ठीक ठाक नहीं था हमारे पास उस समय पीएलए पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अटैक करा और जैसा मैंने बोला आपको कि एक एक करके हमारी पोस्ट गिरती 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 चली गए, चली गए, चली दोस्तों सामने आए और गिरतीशूल सेक्टर में एक पोस्ट थी गुरुंग हिल मगर हिल वगैरह वगैरह कई जगह कंपनीज़ वहां पे फैली हुई थी एक चार्ली कंपनी थी तेरा कुमाऊ की ये कहानी मेरे रेजिमेंट की है इसलिए मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूं तेरा कुमाऊ की चार्ली कंपनी एक पहाड़ के एज पे स्टेशन थी वो उनकी पोजीशन थी वो कंपनी वहां पे तैनात थी और उस जगह का नाम था रेजांगला ये कहानी रेजांगला की है 122 लोग 122 सिपाही और उनके ऊपर उनके कंपनी कमांडर सामने से हमला करने की तैयारी तीन हजार चाइनीज सैनिक विंटर क्लोथिंग विंटर इक्विपमेंट खाना गोली बारूद सब कुछ और साथ में आर्टलरी भी यानी कि तोप खाना भारतीय सेना के पास यह सब कुछ नहीं था अगर था भी तो बहुत कम मात्रा में था दोस्तों आर्टलरी हमारी जो हमारी तोपें थी वो भी हमारी मदद नहीं कर सकती थी बिकॉज वी वर क्रेस्टेड फॉर आर्टिलरी यानी कि अगर ये फीचर है तो हम लोग यहां पे थे तो वो हमारी मदद नहीं कर पाते। ऐसी सूरत में ब्रिगेड हेडक्वार्टर ने बुलाया हायर हेडक्वार्टर ने बुलाया वहां पे आ, तेरा कुमा के सीओ साहब भी रहे होंगे ऐसा मैं कर रहा हूं मुझे नहीं पता और जो कंपनी कमांडर था कंपनी कमांडर को यह बोला कि आप पीछे हटिए और अगर आप पीछे हट जाएंगे तो जिंदा बच जाएंगे हो सकता है हम कल फिर लड़ लें चाइनीज के साथ दोस्तों मैंने रिजांगला का ना पूरा पूरा मैंने आ, पूरा मैंने रिजांगला का मैप देखा है उस पूरे एरिया का मैप देखा है और मेरी जो थोड़ी बहुत समझ है थोड़ी बहुत समझ है जो मेरी टैक्टिक्स को लेकर या स्ट्रेटजी को लेकर मुझे ये आज तक समझ में नहीं आया कि रिजांगला स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट था कि नहीं था मुझे नहीं पता हो सकता है हो, हो सकता है ना हो आई डोंट नो लेकिन उस कंपनी कमांडर ने मना कर दिया और वो कंपनी कमांडर ने ये बोला है कि साहब मैं इधर रहूंगा मैं पीछे नहीं हटूंगा जो मर्जी हो जाए और फिर वो कंपनी कमांडर अपने जवानों के पास गए अपने जवानों के पास गए और अपने जवानों से ये पूछा कि देखो मुझे तो हुक्म मिल गया और मेरा यह फैसला है मैं यहीं पर रहूंगा आपका क्या फैसला है आप देख लीजिए अगर आपको पीछे जाना है तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आप पीछे हट जाएं क्योंकि आप ये हर समय कह सकते हैं कि साहब ऊपर से हुक्म आया था इसलिए हम पीछे हट गए दोस्तों सारे जवानों ने मना कर दिया सबके कारण अलग अलग थे एक जवान ने यह बोला कि साहब मेरा बाप भी फौज में था मेरा दादा भी फौज में था और मैं जिस गांव में रहता हूं वहां पे हर घर में फौजी है और अगर मैं पीछे हट गया तो मेरे गांव में लोग ये नहीं समझेंगे कि ऊपर ब्रिगेड हेडक्वार्टर से हुक्म आया था और हम पीछे हट गए ये कोई नहीं समझेगा गांव में मेरा बाप मुझसे गले नहीं लगेगा मेरी बीवी मुझसे मुंह फेर लेगी मेरा बच्चा मेरे पास दौड़ के नहीं आएगा क्योंकि हमारे गांव में वीरगति का रिवाज है विजय का रिवाज है पीछे दौड़ के भाग आने के आने का रिवाज नहीं है फिर कंपनी कमांडर ने सबको बुलाया और कंपनी कमांडर साहब ने सबसे पूछा सारे जवानों से 122 उस ठंड में 16000 हजार फुट की ऊंचाई माइनस बीस माइनस पच्चीस डिग्री का टेम्परेचर और वो लद्दाख की हड्डी काट देने वाली ठंड उस कंपनी कमांडर ने पूछा अपने जवानों से दोस्तों आज जो है ना आज इस चीज का ध्यान रखना यहां पे हो सकता है विजय मुमकिन ना हो पर यह बात तय है कि यहां पे वीरगति होगी क्योंकि हम 122 हैं और सामने से 3000 हजार चाइनीज सैनिक अटैक करने वाले हैं मुझे आपका फैसला चाहिए क्योंकि मैं तो यहां पे हूं मैं कहीं नहीं जा रहा लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं आपकी मर्जी और उस वक्त सारे के सारे जवानों ने ये बोला कि नहीं सब हम यहीं पे लड़ेंगे ये हमारा फैसला अटल है ये हमारा फैसला पक्का है कहते हैं कि 18 तारीख को सुबह यानी आज आज की तारीख 18 है 18 नवंबर की सुबह साढ़े तीन चार बजे जो ओपी था ऑब्जर्वेशन पोस्ट जो लगी थी उसने कंपनी कमांडर साहब को आके बोला कि सर चाइनीज ने एडवांस शुरू कर दिया है चाइनीज धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे चाइनीज आगे बढ़ रहे हैं कंपनी कमांडर साहब ने बोला नो फायरिंग नो फायरिंग साहब सौ मीटर दूर है चाइनीज नो फायरिंग दो सौ मीटर दूर नो फायरिंग साहब चीनी फौज हमारे इलाके से सिर्फ सौ मीटर दूर है और कंपनी कमांडर साहब का वही जवाब था नो no फायरिंग जब चीनी फौज बिल्कुल सामने आ गई तीस या पचास मीटर पे, उस वक्त कंपनी कमांडर साहब ने आदेश दिया फायर और पूरी चार्ली कंपनी ने सारा का सारा बारूद चीनियों के सीने में ठोक दिया वो जो जगह थी वो जो पथरीले इलाके से जहां से चीनी फौज ऊपर आई थी वहां पे चीनी लाशें बिछ गई चीनियों ने फिर अटैक करा और फिर वही स्वागत उनको मिला और फिर अटैक करा और फिर अटैक करा सात बार चीनियों ने अटैक करा और हर समय उनका स्वागत ऐसा ही हुआ कहते हैं कि वो जो गलीज थी वो चाइनीज आर्मी की लाशों से भर गई थी वहां पे पैर रखने की जगह नहीं थी दोस्तों उस वक्त कुछ 25-30 लोग बाकी रह गए होंगे जवान बाकी रह गए होंगे चार्ली कंपनी के हमारे भी कई जवान वीरगति को प्राप्त हो गए उस वक्त जब हमारा एमोनेशन खत्म हो गया गोलियां खत्म हो गई तो राइफल को पकड़ के हम चीनी फौजियों से लड़े जब राइफल टूट गई तो पत्थरों से लड़े और फिर नंगे हाथ लड़े कहते हैं कि जब हम राइफलों से लड़ रहे थे और चाइनीज को बैनट से मारा ऐसा चाकू सा सामने लगा रहता है राइफल में देखा होगा वो जब हमने घुसाने की कोशिश करी तो चाइनीज के कोट इतने मोटे थे कि बेनेट टूट गए थे हमारे तेरा कुमाऊ की चार्ली कंपनी नेहत्ता लड़ी उन चाइनीज फौजियों के साथ जिनके हाथ में ऑटोमेटिक हथियार थे और धीरे 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 करके एक एक करके हमारे जवान वीरगति को प्राप्त होते रहे उस समय कंपनी कमांडर साहब कभी इस ट्रेंच में जाते कभी उस ट्रेंच में जाते कभी यहां जाते कभी वहां जाते और सबको ये कहते कि बेटा चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूं यहां से फायर करो वहां से फायर करो इसको लीडरशिप कहते हैं नेतृत्व जिसको कहते ना मौत सामने है और कंपनी कमांडर साहब लड़ रहे थे लड़ रहे थे लड़ रहे थे लड़ रहे थे अपने लोगों को बोल रहे थे कि बेटा पीछे मत हटना पीछे मत हटना अंत में कंपनी कमांडर साहब को गोली लगी एक मीडियम मशीन गन का बस्ट लगा और कंपनी कमांडर साहब बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गए उनके हाथ में पिस्टल थी उनकी और दो जवान उनको थोड़ा सा नीचे ले गए दोस्तों यह कहानी बहुत अजीब सी है कि जब आप कुछ लोगों को यह बोलें कि अगले चौबीस घंटे में आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे और लोग कहते हैं कोई बात नहीं हम लड़ेंगे फिर भी ये जज्बा कहां से आता है लोग कहते हैं ना फौजी पैसे के लिए लड़ता है तंखा तो मिलती है आप लोगों को मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं एक कहानी उन लोगों के लिए भी है कंपनी कमांडर साहब ने दम तोड़ दिया क्योंकि इतनी गोलियां लगी थी पूरी बहुत जबरदस्त बहादुरी से लड़े कंपनी कमांडर साहब लेकिन अंत में वो वीरगति को प्राप्त हो गए तो जो दो जवान थे ये भागे भागे गए अपने हवलदार के पास उसको ये बोला कि साहब ये कंपनी कमांडर साहब तो अब नहीं रहे इस दुनिया में उस हवलदार को खुद गोलियां लगी थी और अपनी आखिरी सांस लेते हुए उस हवलदार ने सिर्फ एक बात बोली बेटा कंपनी कमांडर साहब की लाश दुश्मन के हाथ में नहीं पड़नी चाहिए इज्जत की बात है और वो जो दो जवान थे जो लेकर गए थे कंपनी कमांडर, कमांडर साहब को उनकी उम्र क्या रही होगी उन्नीस साल बीस साल उन्नीस साल या बीस साल उन्होंने कंपनी कमांडर साहब को बॉडी को ढक दिया बर्फ से और उसके ऊपर लेट गए ये प्रिटेंड करते हुए झूठी मूठी कि हमें भी गोली लग गई हम भी मर गए कि कंपनी क्योंकि उनको आखिरी आदेश यही मिला था कि कंपनी कमांडर साहब की लाश दुश्मन के हाथ नहीं लगनी चाहिए खैर चाइनीज आर्मी हावी हुई रजांगला फैल ये लोगों को कुछ चार पांच लोगों को पकड़ के चाइना ने प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिया और जब प्रिजनर ऑफ वॉर इनको बना लिया तो फिर एक जो सर्वाइवर थे मेरी उनसे बात हुई है ना मैंने उनका इंटरव्यू लिया था उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई थी कि मैं दो दिन से भूखा प्यासा था तो मुझे एक चाइनीज ने बिस्किट दिया तो मैंने वो बिस्किट खाया जैसे ही मैं बिस्किट चबा रहा था मुझे ऐसा ध्यान आया कि यही लोग हैं जिन्होंने मेरे साथियों को मारा है तो मैंने थूक दिया वो बिस्किट और थोड़े समय के बाद मौका देखते ही चीनियों की कैद से ये भाग गए एक रात में 114 जवान हमारे वीरगति को प्राप्त हुए शामिल उनके कंपनी कमांडर कुछ चाइनीज ने कैप्चर कर लिए और वो चाइनीज कैद से भाग गए और वापस अपने इलाके में आ गए लेकिन ये कहानी पूरी नहीं हुई दोस्तों इस कहानी में भी बहुत कुछ बाकी है इस आ, कहानी में एक बड़ी अजीब सी चीज हुई है जब जब आर्मी हेडक्वार्टर और डिफेंस मिनिस्ट्री को पता लगा तो दो तीन लोगों को सामने पेश करा कि भाई ये क्या बात है रिजांगला की क्या स्टोरी है जरा बताओ तो हमें क्या कहानी है की तो बोला कि नहीं साहब ये आ, हम लोग लड़े थे तीन हजार चीनियों से क्या झूठ बोल, बोल रहे हो तुम लोग यू आर लाइंग तुम लोग झूठ बोल रहे हो एक सौ बाईस लोग तीन हजार से कैसे लड़ सकते हैं कि नहीं साहब हम लड़े थे हम विश्वास नहीं करते तुम्हारा कोर्ट मार्शल हो जाएगा तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा झूठ बोल रहे हो तुम लोग यू आर लाइंग और फौजी को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए तुम लोग झूठे हो क्या नहीं साहब हम झूठ नहीं बोल रहे हम लड़े थे वो लड़ाई इसलिए हम कह रहे तो बोला ठीक है जाओ पता करके लाओ तो ब्रिगेडियर साहब को भेजा और साथ में उनकी टीम भेजी क्योंकि उस वक्त तो बहुत मामला खराब हो चुका था रजांगला में और जम चुका था पूरा वो चलने लायक ही नहीं था इतनी ठंड थी इतनी बर्फ गिर गई थी कि इंसान का पहुंचना ही नामुमकिन हो गया था वहां पे लगभग फिर उसके बाद ये आए और ये गए वहां पे रिजांगला फरवरी या मार्च में गए होंगे उन्नीस सौ तिरसठ दो तीन महीने के बाद जब बर्फ थोड़ी गिरना थम गई और इट वॉज पॉसिबल टू रीच रिजांगला तब ये पहुंचे वहां पर इनको 114 सौ चौदह तेरा कुमाऊं चार्ली कंपनी के जवान वहां पे वैसे ही मिले बर्फ में जमे हुए जैसा इन लोगों ने बताया था डिफेंस मिनिस्ट्री में जैसा आर्मी हेडक्वार्टर वालों को बताया था एक सौ चौदह वहां पर कमांडर साहब थे वो भी मिले बर्फ में दबे हुए उनके हाथ में पिस्टल थी एक नर्सिंग असिस्टेंट था दहिया नर्सिंग असिस्टेंट दहिया के हाथ में सिरिंज था जो मोटर वाला था उसके हाथ में मोटर का बॉम्ब था सब लोग राइफल समेत थे उनके आसपास उनके हथियार पड़े थे खाली खोखे पड़े थे और वहां पे सिर्फ 114 हमारे जवान जो वीरगति को प्राप्त हुए वो नहीं मिले वहां पे 1300 मरे हुए चाइनीज फौजी भी मिले 1300 चाइनीज फौजी 114 ने यानी कि 122 जो टोटल थे 114 वीरगति को प्राप्त हो गए 122 ने 1300 चाइनीज ठोक दिए वहां पे अब दोस्तों ये तो कारगिल की लड़ाई के बाद हुआ ना कि फौजियों के आ, जो शव हैं उनके घर जाएंगे तो कारगिल के बाद हुआ कारगिल से पहले ऐसा कहां होता था कारगिल से पहले तो ये रसम थी कि जहां पे आ, वो अगर हिंदू है तो उसक, उसका दाह संस्कार वहीं पे कर दिया जाए सिख है और मुसलमान है तो उसको वहीं पे दफना दिया जाए और नमाज जनाजा वहीं पे पढ़ दिया जाए ये तो पहले ये हुआ करता था वापस बॉडीज तो कारगिल के बाद आना शुरू हुई तो फिर ये जो 114 थे इनको नीचे लाया गया और जब नीचे लाया गया तो फिर लद्दाख डेजर्ट, वो तो रेगिस्तान है ठंडा रेगिस्तान वहां पे लकड़ी का अब तो थोड़ी हो गई है उस जमाने में तो कुछ भी नहीं था घास का तिनका नहीं दिखता था वहां पे, अब अंतिम संस्कार करना है 114 सौ है लकड़ी कहां से आएगी फिर किसी ने बोला साहब पुराना स्कूल है यार। एक स्कूल है पुराना वो स्कूल टूट गया है सरकार कह रही है नया स्कूल बनाना है ये स्कूल टूट गया उसकी छत गिर गई है तो फौजी गए उस स्कूल में और उस स्कूल से जो पुरानी बेंच थी पुरानी कुर्सियां थी दरवाजे के पल्ले थे दरवाजे थे खिड़कियां थी वो लकड़ियां लेकर आए क्योंकि टूट चुका था वो स्कूल और उन एक वीरों का अंतिम संस्कार वहां पर करा गया उन लकड़ियों के साथ और जहां पे वो अंतिम संस्कार किया गया आज की तारीख में वहां पे बैटल ऑफ रिजांगला का जो वॉर मेमोरियल है वो वहां है एक बड़ी अजीब सी बात है लोग अक्सर ये कहते हैं कि ये जो तेरा कुमाऊं के थे तेरा कुमाऊ प्योर अहीर एक बटालियन है यानी कि अफसर कहीं के भी हो सकते हैं लेकिन जो जवान है तेरा कुमाऊं के वो पूरे के पूरे अहिर हैं और उसमें से ज्यादातर सब नहीं ज्यादातर हरियाणा के थे वाड़ी डिस्ट्रिक्ट के आसपास के हरियाणा में वो थे वहां के बिलोंग करते थे तो कई लोगों ने बोला यार ये तो अहिर हैं, इन्होंने इतने ऊंचे पहाड़ कभी देखे हैं क्या अपनी जिंदगी में जो अहीर हैं इन्होंने कभी इतने ऊंचे लद्दाख के पहाड़ देखे हैं तो कहीं ना कहीं दिल से जवाब आया कि यार इन पहाड़ों ने भी कभी ऐसा जज्बा नहीं देखा और वो लोग लड़े और पलटन के लिए रेजिमेंट के लिए देश के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी दोस्तों जरूरी था ये आप लोगों को बताना रिजांगला के बारे में कि रिजांगला में हुआ क्या रिजांगला की लड़ाई जब खत्म हुई उसके 48 घंटे के अंदर चाइनीज आर्मी ने सीज फायर साइन कर दिया लोग अक्सर ये कहते हैं ना मुझसे कि रिजांगला भारतीय सेना के लिए इज्जत की बात बन गई थी मुझे लगता है ये थोड़ा आगे मामला चला गया रिजान बात इज्जत की नहीं थी ये बात जिद की भी थी कि ये हम अलाउ नहीं करेंगे यार तुम ऐसा नहीं कर सकते और वहां पे उन 122 ने ये कसम खाई कि कुछ हो जाए इससे आगे चाइनीज आर्मी को नहीं बढ़ने देंगे कुछ हो जाए मेरे लिए बहुत गर्व की बात है दोस्तों क्योंकि मेरा रिश्ता कुमाऊं रेजिमेंट से है मैं सत्रह कुमाऊ से हूं और मैं ये बार बार कहूंगा कि ये जो पूरे लद्दाख का मामला है श्रीनगर से ले लीजिए लद्दाख तक पूरा उसमें हर एक रेजिमेंट ने खून बहाया है लेकिन मैं गर्व के साथ कह सकता हूं यह बात दिल पे हाथ रखे कि जितना मेरी रेजिमेंट ने लद्दाख श्रीनगर और पूरे ये चाइनीज के खिलाफ जो लड़ाई हुई है श्रीनगर में तो खैर पाकिस्तानी रेडर्स थे उतना कम रेजिमेंट्स होंगी और मैं आपको दो तीन उदाहरण देता हूं 1947-48 बैटल ऑफ बडगाम जो श्रीनगर एयरपोर्ट है चार कुमाऊ न होती आज श्रीनगर पाकिस्तान में होता मैं चैलेंज करके बोल रहा हूं कोई पता कोई मुझे काट दे इस बात पे फोर कुमाऊं नहीं होती मेजर सोमनाथ शर्मा का नाम आपने सुना होगा परमवीर चक्र इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का पहला परमवीर चक्र मेरी रेजिमेंट का उन्नीस सौ बासठ बैटल जिसकी मैंने आपको कहानी सुनाई मेजर शैतान सिंह परमवीर चक्र वो जो कंपनी कमांडर साहब थे ना उनका नाम था मेजर शैतान सिंह परमवीर चक्र लद्दाख ग्लेशियर फिर से फोर सियाचिन ग्लेशियर में किसने तिरंगा लहराया कुमाऊ रेजिमेंट ने, लद्दाख स्काउट्स भी थे वहां पे नो no डाउट लेकिन पहला जिसने तिरंगा लहराया उस जमाने में कैप्टन संजय कुलकर्णी जो अब रिटायर्ड हैं लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी शौर्य चक्र नोएडा में ही रहते हैं और आप और ईस्ट की अगर आप तरफ चले जाएं लद्दाख से भारी ईस्ट की तरफ चले जाए बैटल तो दोस्तों जितना चीनियों को कुमाऊं रेजिमेंट ने खड़काया ना, ना शायद ही किसी ने खड़काया हो होगा तो इतना बुरी तरीके से और रिजांगला रिजांगला ऐसी लड़ाई है पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 के बाद हमारी जितनी भी जंगें हुई हैं जितने भी युद्ध हुए हैं, रिजांगला जैसी लड़ाई और जो मेजर शैतान सिंह के साथ उन वीर अहिरों ने जो काम करके दिखाया दैट इज अन इमेजिनेबल वो सोच नहीं सकते आप वो बिल्कुल कल्पना से परे है जब पहली बार मुझे कहानी सुनाई गई थी तो मैं एकेडमी में था और मुझे थ्री कुमाऊं के हमारे एक एक ड्रिल इंस्ट्रक्टर थे जिनका नाम था इंदर सिंह वो उनको जब ये पता लगा कि मैं रेजिमेंट में कमीशन होने, होने वाला हूं दो तीन दिन एक दिन के बाद क्योंकि आ, एक दिन पहले गैप होता है पासिंग आउट परेड के एक दिन पहले कोई परेड की रिहर्सल नहीं होती उस दिन कुछ काम नहीं होता सिर्फ मेंटेनेंस होती है अगले दिन पीओपी होती है पासिंग आउट परेड उस दिन उन्होंने मुझे कहानी सुनाई तब मुझे पता लगा रिजांगला में क्या हुआ था तो दोस्तों ये कहानी थी मैं काफी कुछ नोट्स तैयार करे थे आपको बताऊंगा कि रशिया में क्या हुआ यूक्रेन में क्या हुआ पाकिस्तान में क्या हुआ आज सवेरे में जागा तो मैंने बोला यार आज का दिन इतना बड़ा दिन है कि नहीं यार ये यूक्रेन पाकिस्तान को कोने में लो आज दिन है मेजर शैतान सिंह का और आज दिन है उन वीर हीरो का जिन्होंने चीनियों की खिड़कियां खड़का दी उन्नीस में आज के दिन ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जय हिंद कालिका माता की जय